गुड मॉर्निंग। हेय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शेरिफ मोना। बहुत अच्छा, तुम अच्छा कर रहे हो। ठीक है, मेरी बात सुनो, पार्टी बहुत जल्द शुरू होने वाली है, चलो पार्टी की तैयारी करते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राजकुमारा, अच्छा सजाया है। चलो देखते हैं कौन सबसे ज्यादा फल इकट्ठा करता है। मैं करूँगा, देखो मेरा कमाल। अरे जरा रुकना तो, मुझे आसपास कुछ टेस्टी स्मेल आ रही है, शायद इस पेड़ में हनी हो। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी खोज है। तुम्हारी नाक तो बहुत तेज है। कैसे हो दोस्तों? गुड मॉर्निंग। ठीक है, हो गया। मेरी मदद के लिए शुक्रिया। मिशन खत्म हुआ। तुम्हारा फिर से शुक्रिया। आपका स्वागत है, क्या आपको सर्दियों की पार्टी के लिए कोई मदद चाहिए? तो यहाँ से शुरू करते हैं, इसे मैं उठाऊंगा क्योंकि मैं ताकतवर हूँ। तुम हर दिन ताकतवर बनते जा रहे हो। मेरी चेरीज। बड़े, ये कुछ अजीब है, मुझे लगा मैंने टोकरी को पलटते देखा, पर शायद मैं गलत था। हो सकता है किस्मत अच्छी हो। हाँ, मुझे शायद कोई लाइट भी दिखाई दी। मुझे ऐसा नहीं लगता बड़े, शायद तुमने ज्यादा चेरीज भर दी हो। चलो अब चलते हैं। बैठ जाओ। हो गया, देखते हैं और किसे मदद चाहिए। बहुत प्यास लगी है। चलो कुछ पीते हैं। आज मैं नदी के पास से चल रही थी और फिर गलती से मेरी पाइप खुद पानी में गिर गई। आज नहीं। ये क्या है, ये चल क्या रहा है? तुम्हें पता है, आज सुबह एक अजीब सी घटना घटी। बहुत सुंदर। ये सच नहीं है, इस मौसम में बर्फ कहाँ गिरती है? मैं सच कह रहा हूँ, विश्वास करो। मुझे यकीन है आज मेरे साथ भी कुछ अजीब हुआ। मुझे लगता है कोई हम पर नजर रख रहा है। कई साल पहले कुछ अजीब चीजें होने लगी थीं। ये एक अफवाह थी कि सर्दियों की आत्मा जाग उठी थी। लगता है कहानी सुनाने का समय हो गया है। लोग कहते थे कि सर्दियों की आत्मा क्रिस्टल पीक में रहती थी और आत्मा पूरे जंगल की देखभाल करती थी। एक साल जंगल पूरा का पूरा सूखे की चपेट में आ गया था। बहुत लोगों ने अपना घर खो दिया। ऐसा लग रहा था कि सब लोगों ने अपनी उम्मीदें खत्म कर दी हैं। तभी बारिश शुरू हुई। सर्दियों की आत्मा हमारे लिए बारिश लेकर आई थी और उस बारिश ने उस जंगल और उसमें रहने वाले सभी लोगों को बचा लिया। उसकी मदद के बिना हम सब यहाँ नहीं हो सकते थे। फिर तो आत्मा भी होगी, क्या बात है, तब मजा आएगा ना, इससे हमारे घर बच जाएंगे। मुझे विश्वास नहीं, अगर वो सच में है तो हमने पहले उसे यहाँ कभी क्यों नहीं देखा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है, मैं निकू से सहमत हूँ। मुझे यकीन है और हमें भी यकीन है। आप एक काम करते हैं, हमें उस आत्मा को ढूंढना होगा। अगर वो मिल जाए तो उसे थैंक यू बोलूंगा। आत्मा कुछ नहीं होती। ठीक है बड़े, तो ढूंढना शुरू करते हैं, अब हम उसे ढूंढ कर ही दम लेंगे। किसी ने उसे कभी नहीं देखा है, हमें पता कैसे चलेगा हम क्या ढूंढ रहे हैं? काश कोई तो होता जिसने उसे देखा होता। मेरे पास एक प्लान है। ओ,
ऐसे करो जैसे तुम्हें बहुत चोट लगी है। नहीं, मुझे चोट लगी है, कोई मदद करो। वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं फंसने वाली नहीं हूँ। मैं चिल्लाकर थक गया। बड़े, तुमने अच्छी एक्टिंग नहीं की, अगली बार कोशिश करना और तेज रोने की। हो सकता है गिरना इतना बुरा नहीं है, हमें कुछ और सोचना होगा। समझ गया। चलो ऊंची पहाड़ी के पास चलते हैं, फिर बड़े को वहाँ से गिरा देंगे। बड़े चलो चलते हैं। ये ऊंची ढलान है क्या? तो फिर ये वाला? ये काफी ऊंचा है। यहाँ से ये वाला? मैं नहीं करूँगा। चलो करते हैं। मुझे चोट लगी है, मेरी हेल्प करो। क्या कुछ फायदा हुआ? क्या तुमने किसी को आते हुए देखा? आओ आओ, दर्द हो रहा है। मिस्टर पंता, गुड मॉर्निंग। बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी मदद करूं? ये गाड़ी भारी है, आपको कहाँ जाना है? शहर बच्चों, मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना है, मैं बहुत लेट हो गया हूँ। अब फिक्र मत करो, हम लोग ये कर लेंगे, अब घर जाओ। हम यहाँ के फॉरेस्ट गार्ड्स हैं। शुक्रिया फॉरेस्ट गार्ड। शायद हनी मेरी मदद कर सकता है। अरे नहीं, मेरी बस की शक्ति। 1, 2, 3। बड़ी तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। वो क्या है? ये देखो, ये दोनों पहिए जमे हुए हैं। इसका मतलब ये है वो सच में है। मैं जानता था वो सच में है। वो वहाँ है। दोस्तों रुक जाओ, पर इसको क्या? अरे ये सब छोड़ो, मेरे साथ आओ। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये तो मेरा हनी है। ये देखो क्या है, फुटप्रिंट्स। इससे हमें पता चल सकता है वो कहाँ गई। हाँ, इसे फॉलो करते हैं। ये कौन आ रहा है? ये तो वही है। इस तरफ चलते हैं। ये तो बहुत अजीब है, ये लोग मुझे कैसे ढूंढ पा रहे हैं? ओह, शहर की वजह से। निशान कहाँ गायब हो गए? मैं जानता हूँ, मैं अपने नाक से इसकी पहचान कर सकता हूँ। हनी वहाँ है, उधर। वो भालू मुझे कैसे सूंघ सकता है? मैंने तो शहद मिटा दिया था। मुझे हनी की स्मेल नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, वो यहीं कहीं होगी। ये देखो। बड़े, क्या ये है? ये घर है। मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए, हम उसे ढूंढ नहीं पाए। आखिरकार वो चले गए।